शाहीन के करियर की कुछ यादगार तरीन पिक्चर्स, कुछ मीम्स उनको दिखाएंगे और जरा सुनते हैं कि शाहीन उसके हवाले से जो है वो हमारे साथ क्या अपनी मेमोरीज शेयर करते हैं। जी सवेरा, अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी, आप उसका बैकग्राउंड बताएंगे या उस तस्वीर के बारे में बताएंगे कुछ। वार्नर वाला, हाँ ये काफी अच्छा था। हमारे ना पिंडी में से ही वो चल रहा था क्योंकि ये शुरू में वार्नर तो है भी मजाकिया, हाँ। उसको ये चीजें पसंद है, ऊपर से क्राउड को भी काफी एंटरटेन करता था। तो ये था कि ये दिन का आखिरी बॉल था, मैं इसको बाउंसर वगैरह किए थे तो मैं वैसे गुस्से से चला गया इसको, मतलब उसको घूरने वाला था, तो इसने मजाक में बस फनी कर दिया। तो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के साथ दोस्तियां बड़ी अच्छी हो गई थी इस दौरे में, काफी अच्छा था। एक तो पाकिस्तान में बड़ी टीम आई थी काफी अरसे के बाद, तो हम सब ने काफी एंजॉय किया, ऊपर से क्राउड आया था, क्राउड ने सपोर्ट किया था, काफी अच्छा था। और इन्होंने भी एंजॉय किया, ऑस्ट्रेलिया से भी एंजॉय किया इन्होंने तो बारबेक्यू बहुत एंजॉय कर दिया। बारबेक्यू तो बड़ा भरपूर बारबेक्यू खिलाया यहाँ पे इन लोगों को। अच्छा, रिजवान के साथ रिलेशनशिप, मतलब अपने बाल जो क्रिकेटर हवाले कर दे किसी को, मैं कहती हूँ इससे ज्यादा मोहब्बत किसी में नहीं हो सकती आपस में। रिजवान, आई थिंक रिजवान अलग बंदा है यार। रिजवान के बारे में क्या कहूँ, कुछ अलग ही बंदा है। मैं रिजवान भाई को बोलता हूँ कि आप जन्नती हैं। अच्छा। आप पहले से जन्नती है। ये बंदा ना मोबाइल यूज करता है, ना इसके पास कुछ ट्विटर वगैरह यूज करता है, मतलब है इसके अकाउंट बट मैनेजर चलाते हैं, मतलब ये एक अलग ही बंदा है, मैं इसको जन्नती बुलाता हूँ। तो ये जो आप पिक्चर्स देख रही है ये बाल कटाने में, इससे पहले दिन मैं रिजवान के बाल काटे थे। अच्छा, बात करते करते एकदम से मुझे ख्याल आ गया इस बात का, कोविड बबल कितना मुश्किल था। मतलब ऐसा कोई टाइम आया जिसपे आप लोगों का दिल चाहो भाई एक दूसरे को बस मारो, इतनी शक्लें देख ली एक दूसरे की? नहीं, लड़ाइयाँ नहीं हुई। देखिए, काफ़ी मुश्किल था क्योंकि पाकिस्तान टीम ने काफ़ी ज़्यादा मैचेस खेले और जब से कोविड स्टार्ट हुआ है हमने मैचेस खेले, हर जगह ट्रैवल किया है और काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि रूम्स में और अगर मिलना भी आपस में तो मास्क पहनना है, साथ में बैठ नहीं सकते, एक रूम में तीन चार नहीं आ सकते, तो काफ़ी मुश्किल था। सिर्फ ग्राउंड में जाके आप गपशप लगाए, लेकिन ग्राउंड में तो खेलना ही होता है, हर किसी की अपनी प्रिपरेशन है। इन्हीं कोविड बबल्स में सबसे बदतरीन बबल कौन सा था जिसमें आप बिल्कुल बस परेशान हो गए हो? यार सारे बुरे बबल, रूम में रहो, ग्राउंड जाओ, मुश्किल होता है ना, क्योंकि अगर बाहर भी जाते तो। ये तस्वीर ये जो मैंने पहले क्रिकेट स्टार्ट की थी वो वाली है और ये सबने लगाई हुई थी। मैं देखूं कोई मुझे किधर से भेज रहा है, कोई किधर से भेज रहा है, तंग कर रहा है इस पे। मेरे पास 16-17 की है। और ये कभी किसी ने दिखाई आपको? ये तो शताब ने भेजी थी मुझे। शताब ने मुझे 2018 में ये, और मुझे नहीं भेजी थी, शताब ने पूरी टीम को दिखाई थी अबू धाबी में। अच्छा, ये तस्वीर ओह फेवरेट मेमोरीज है मेरी। शाहीन शाफरीदी इस विकेट के बाद क्या, किस कौन से आसमान पे था? नहीं, आसमान पे भी नहीं था बट अच्छा फील हो रहा था कि यार कुछ अच्छा किया है। जो मैं सोच रहा था कि जो मेरे मैन तीन थे ना, दो तो आउट कर लिए, तीसरा था उसको अल्लाह पाक ने फिर आखिरी के ओवर में उससे आउट करवा दिया। कभी खुशी कभी गम, पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है शाहीन।